वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर ब्लॉग। और भाई ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है फुल जोश के साथ। तो अभी हम लोगों ने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है भाई, वही 6 बजे देख ही रहे थे मेरे सारे ब्लॉग जो आते 6 बजे। ये आप लोग सोच रहे होंगे क्या लग गया, तो भाई ये कुछ नहीं, ये मतलब हल्का सा जो मतलब एक रस्सी टाइप की होती है तो उसमें मेरा ये कट मतलब हल्का सा लग गया तो स्क्रैच आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं इससे। बाकी भाई हम अभी खड़े हैं अपने छत पर, तो वहाँ से भाई बहुत सारे फूल, गुलाब के फूल बहुत सारे फूल लगे हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, वो आप लोगों को भी हम दिखाते हैं। और बाकी भाई व्यू भी बहुत ही अच्छा है। पहले तो हम एक छोटा सा टाइमलैप, नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा टाइमलैप, उसके बाद आप सारे गुलाब के फूल दिखाएंगे जो हमारी छत पे लगे हुए हैं। देख सकते हैं व्यू, देखिए व्यू, देखिए कितना प्यारा आ रहा है यहाँ से, आप लोग देख ही सकते हैं। और बाकी उन्हीं के साथ ये गुलाब के फूल भी कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी देखना ये देखो, एक टच में अब थोड़ा दिख रहा होगा, बाकी अब देखिए ये सारे हमारे छत पर जितने भी गुलाब के फूल हैं ये सारे लगे हुए हैं, बहुत काफ़ी सारे हैं। जो मतलब हमारे घर पे भाई चाची जी हैं, जो भैया, बहुत सारे मतलब बेरा भी लगी हैं, बहुत सारी तुलसी उलसी ये सारी चीज़ें खड़ी हैं। बाकी गुलाब के फूल देख सकते हैं काफ़ी, ये पिंक वाले हैं, वो रेड वाले हैं जो कि लगे हैं और बहुत ज़्यादा लगे हैं, घने हैं बिल्कुल। अगर जिसको ये चाहिए वो हमसे बता सकते हैं। बाकी यहाँ से व्यू देखिए कितना प्यारा आ रहा है भाई, व्यू की तारीफ़ करते करते गाँव में थक जाऊँगा, मगर आप लोग और थोड़ा बहुत आज हम इधर से अपने ऊपर छत पर से आप लोगों को एकदम गांव का भी एक व्यू दिखा देंगे, मेरा गांव कैसा ऊपर से दिखता है, जो मेरी छत से व्यू आता है वो आप लोगों को अभी मैं थोड़ा दिखाऊंगा, कि पेड़ वेड़ है यहाँ पे तो इतना ज़्यादा हम आप लोगों को दिखा नहीं पाएंगे, बट जितना कोशिश करेंगे उतना हम आप लोगों को दिखा देंगे। चलिए भैया आप लोगों को दिखा लें, एक छोटा सा टाइमलैप देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं यहाँ से। पैरों को बांधे बेड़िया, बताए सा कहानियाँ, तो रोशनी तुरंग है, बना है कि आप लोगों ने देखा ही लिया कि इस तरीके का हमारा कुछ गांव है। ये तो बस मतलब हम बाहर साइड रहते हैं ना, मतलब जो स्टार्टिंग का होता वहीं पे मेरा घर है, तो इसलिए अंदर साइड दिखा नहीं पाया, क्योंकि पेड़ वेड़ है वो आप लोग देख ही सकते हैं। तो भाई अभी एक गुड न्यूज़ बताना है कि अभी मेरे पास, मैंने आदित्य को कॉल किया, मैंने कहा भाई बहुत लोग सोच रहे हैं कि तू व्लॉग से मतलब व्लॉग में क्यों नहीं दिखता, तो मैंने सोचा भाई तू ते बीच में थोड़ा कॉल आ गई थी, तो हाँ जैसे कि आदित्य का कॉल आया तो मैंने कहा बहुत लोग सोच रहे हैं कि तू व्लॉग में दिख नहीं रहा, तो मैंने कहा भाई तू अपनी एक क्लिप मतलब बना के ऐड करके मुझे भेज दे। तो अभी जो आदित्य का मतलब आदित्य ने मुझे काफ़ी सारी क्लिप भेजी है, तो वो हम ऐड करके ब्लॉग डाल लें। भाई उसने मैसेज दिया कि वो कहाँ पे है कहाँ नहीं, तो आप लोग जाके उसकी क्लिप पे देखिए जाके, और पूरा ब्लॉग एंड तक ही देखना। मैं यहीं पे ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, अपना ब्लॉग मतलब अपना मतलब अपनी माई सेल्फ वाला बंद कर रहा हूँ। बाकी अब आदित्य की क्लिप पर देखो भाई वो क्या कर रहा है क्या नहीं, कि कहाँ पर, तो उसकी सारी बातें सुनो। बाय बाय। 2000 years later। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? भाई ये लाइन बोल के बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे भाई इतने बाद क्या करने आ गए व्लॉगिंग में। भाई नहीं भाई क्या करूँ, थोड़ा बिजी था, अचानक से प्लान बन गया दिल्ली निकलने का, तो भाई यहाँ पे दिल्ली निकल आया था, और थोड़े दिन से बिजी भी हूँ, तो ब्लॉग तो मैं तो यहाँ से बना नहीं पा रहा था। पर आज सौरभ का फोन आया, बता रहा था कि उसके साथ कुछ थोड़ा बहुत सीन होगा, जो कि मैं अभी ब्लॉग में नहीं बताऊंगा, वो खुद ही आपको 2-3 दिन बाद बता देगा। तो सौरभ ने लिया भाई 2-3 दिन के लिए ब्लॉगिंग से ऑफ, और अब भाई आपको देखने को मिलेंगे 2 या 3 तक, जब तक वो ब्लॉग से ऑफ है, यहाँ दिल्ली का ब्लॉग, जो कि भाई थोड़ा बिजी हूँ, पर तब भी बनाने की जितना बढ़िया हो सकेगा बनाने की कोशिश करूँगा। मैं भी इतना अभी यहाँ पर घूमने नहीं जा पाया था, क्योंकि मुझे भी काम था। तो अब सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन तो मैं भाई निकलूंगा यहाँ पे ब्लॉग करने ही करने के लिए, तो आपको भाई परसों वाले दिन से देखने को मिलेंगे दिल्ली के ब्लॉग, जो कि भाई आपको देख के मज़ा आ जाएगी। भाई यहाँ पे भाई बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाने को, अच्छा जो कि मैंने एक दो चीज़ें घूमी हैं वो उसके मैंने ब्लॉग बना नहीं पाई थी, क्योंकि मैं भाई इतना एक्साइटेड ही था जब अभी तो मैं बहुत दिनों बाद दिल्ली आया था ना, तो पूरा एकदम चेंज हो चुका है यहाँ पे सारा सिस्टम। और बाकी भाई जैसे ही मुझे यहाँ से फ्री टाइम मिलता है, वैसे तो परसों मिल जाएगा, परसों हाँ सैटरडे से मान के चलो आपको भाई दिल्ली के ब्लॉग देखने को मिलेगा, जो कि आपको देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सौरभ ने भाई मेरे पास फ़ोन किया था, आज बोल रहा था कि तुम भी एक भाई मैसेज दे दो, और उसने अपनी भाई दिक्कत दी, तो मैंने बोला ठीक है तुम्हारा भाई यहाँ पर बैठा है वो ब्लॉग करके दे देगा तुमको भाई, ठीक है समझ गया। और अपलोड मैं इधर ही से कर दूंगा, यहाँ पे थोड़ी वाईफाई वाली दिक्कत है, बस वाईफाई की दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भाई,
और तुम जानते हो नेट कितना रहना भाई कितना मुश्किल हो जाता है, चल तब भी कोई नहीं मैनेज करके मैं यहाँ से ब्लॉग डाल दूंगा कैसे ना कैसे करके, वो तो देख लेंगे। बस आपको डेली ब्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए, आपको डेली कंटेंट मिलता रहेगा और भाई इन्जॉय करना जितना हो सके। दिल्ली के ब्लॉग तो भाई जानते हो इंटरेस्टिंग तो होंगे भाई, इतनी जगह है यहाँ पे दिखाने को भाई। यहाँ पे मैं कुछ एक दो क्लिप में अपनी सिनेमैटिक मैंने थोड़े बहुत बनाए थे तो भाई उसकी ऐड कर दूंगा, तो तब तक के लिए आप लोग सिनेमैटिक इन्जॉय करो भाई, पूरा देखना ब्लॉग, मजा आएगी। सिनेमैटिक भी काफी अच्छे हैं तो आप लोग देखने में बढ़िया लगेंगे भाई, तब तक वो देखो जाके। मैं खा चला चला उड़ बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। तो कह दो ना हमें आज तो दे दो ना, एक बात तो छेड़ो ना जज्बात में खो लेना। ओ मेरी हेर हो ना खफा, ओ मेरी हेर जल ना रुला, ना कर आफरा लबरेज कर ना आप जा। दिल मेरा गुवारा, दिल मेरा गुवारा, दिल मेरा गुवारा, दिल मेरा हो दिल मेरा। आगाज कर उनवान दे अंजाम दे कुछ नाम दे इस गीत को पहचान। मखा चला चला उड़ बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। तो भाई जो भी है बस आज का ब्लॉग भाई इतना ही रहेगा, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, वो भी बिजी है मैं भी बिजी हूँ। तो भाई आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में जो कि होने वाला है दिल्ली का, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो प्लीज सारा पकड़ा ओके थैंक यू।